दोस्तों, तेज बारिश होती हुई हमारे सीपरी में, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, लगातार पानी जो है बरसता ही जा रहा है। हालांकि बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन यह है कि जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने शिक्षा और टीवी जुड़ी जानकारी लाता रहता हूँ, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। दोस्तों, हमारे सीपरी में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और सभी जगह पे मध्य प्रदेश में यही हाल है कि काफ़ी बारिश हो रही है। तो बहरहाल अभी रूम में ही बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ अपडेट आपको देना है। जैसे कि आपको मालूम है कि लोकायुक्त जो मैडम हैं उनका कल जो था रिटायरमेंट था, और उस संबंध में भी दोस्तों हमारे जो चाइनीज शिक्षक हैं वहाँ पर गए हुए थे, और उन्होंने यही अपडेट निकलवाने की कोशिश की कि हमारी जो है नियुक्ति कब तक हो जाएगी। वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये मिला दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को जो हमारी सुनवाई है हाई कोर्ट में, उसमें शिक्षा भर्ती की तरफ से या शिक्षा भर्ती कैसे पूरी की जाए उससे संबंधित जो है एक आदेश निकलवाया जा रहा है। जैसे कि मेडिकल स्टाफ की भर्ती हुई दोस्तों, तो उसके संबंध में जो आदेश जारी किया गया हाईकोर्ट की तरफ से, वैसा ही शिक्षा भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट से आदेश निकलवाने के लिए आवेदन लगा दिया गया। तो वो जैसे ही मिल जाएगा, जैसे 10 अगस्त को वो मिल जाता है, तो उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और डेफिनेटली आप खुद ही देख सकते हैं कि मेडिकल स्टाफ की भर्ती हो रही है, तो उसी हिसाब से उसी आदेश का हवाला देते हुए और सेम आदेश निकलवाने के लिए आवेदन लगाया गया वो मिल जाएगा, और आपकी जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो कल हमारे शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने वक्तव्य दिया है कि हम तो जो भर्ती करेंगे जो OBC भाई बहन हैं वो 27% रिजर्वेशन के साथ ही हम भर्ती करेंगे दोस्तों। जबकि हाईकोर्ट का दिशा निर्देश आपको पता ही, उन्होंने कहा कि जब तक सुनवाई चल रही है जो 13% सीटें हैं वो होल्ड रहेंगी, ये हाईकोर्ट के दिशा निर्देश हैं। आप 87% के हिसाब से जो है भर्ती कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप जो लिस्ट बनाएंगे वो 27% के हिसाब से ही बनेंगी लिस्ट, लेकिन यदि आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो 14% के हिसाब से ज्वाइनिंग देंगे। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो OBC भाई बहन की लिस्ट बनी है 27% के हिसाब से, अब वो 14% के हिसाब से ज्वाइनिंग देती हैं, तो बहुत से लोग जो हैं होल्ड हो जाएंगे, क्योंकि जब तक इस मैटर का निराकरण नहीं हो जाता, जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, जो 13% सीटें हैं उन पर भर्ती होंगी नहीं, तो वो होल्ड हो जाएंगे। तो बहुत पहले मैंने इस पर एक आपके सामने बात रखी थी कि यदि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे OBC भाई बहनों का नुकसान ना हो, ना ही हमारे जनरल भाई बहनों का नुकसान हो, ना हमारे ST SC भाई बहनों का नुकसान हो, किसी का भी नुकसान ना हो, जो लिस्ट बनी है उससे भी ज्वाइनिंग हो जाए, और जो लिस्ट में नहीं है जो वेटिंग में है उनकी भी वेटिंग क्लियर हो जाए, तो उसका एक ही समाधान है, वो है पदवृद्धि। या तो अंतिम फैसला आ जाए तो फिर क्लियर हो जाएगा, 100% सीटों पर भर्ती हो जाएगी। यदि 87% सीटों पर भर्ती कर रहे हैं तो फिर आप पदवृद्धि कर सकते हैं, और जो लिस्ट बनी है उसी से सबको जॉब मिल जाएगी, और जो उस लिस्ट में नहीं भी हैं वेटिंग में है उनकी भी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, है ना दोस्तों? क्योंकि गवर्नमेंट तो यही कहती है कि हम तो सबका भला ही चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा भला हो गया, क्योंकि इतने सालों के बाद यदि भर्ती निकलती है और ज़्यादा पोस्टें आ जाती हैं तो सभी का भला हो गया, एक तो ये है। अब उन्होंने ये कहा कि हम तो पूरे 27% जो है रिजर्वेशन के साथ ही भर्ती पूरी करेंगे दोस्तों। अब फैसले आने में तो आप स्वयं जान रहे हैं कि जो केस है रिजर्वेशन संबंधी, EWS पे भी केस लगा हुआ है, तो उसमें तो ये कहा है कि आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं लेकिन वो कोर्ट के अंतिम आदेश के तहत रहेगी, ठीक है? EWS का तो ये हो गया। और OBC भाई बहनों की जो 27% हैं उनमें जो 13% सीटें हैं वो ना जनरल की मान रहे हैं ना OBC की, तो वो होल्ड हो रही हैं दोस्तों। 2019 से 2021 तक जो है लगातार सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी तक जो है अंतिम निर्णय नहीं आ पाया है दोस्तों। तो यहाँ पर सबके मन में ये संशय आया है कि सर फिर क्या 10 तारीख को हमारा फैसला आ जाएगा रिजर्वेशन संबंधी, या फिर ये है कि ये जब डेट आगे बढ़ती चलेगी फैसला नहीं आएगा तो क्या हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ये एक क्वेश्चन वाचक चिन्ह है दोस्तों। हालांकि DPI से पूरा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, उन्होंने ये कहा कि 10 तारीख को हम आदेश जारी करवा लेते हैं हाईकोर्ट से,
उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और हमारे भाई बहनों को जो आश्वासन दिया गया वो 15 अगस्त का दिया गया, ठीक है दोस्तों। उन्होंने कहा ठीक है 15 अगस्त तक हम जो है और वेट कर लेते हैं, उसके बाद 18 अगस्त को हम फिर से भोपाल आ रहे हैं। और अभी तो हम आपकी बात पर विश्वास करने, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप हमारे डिपार्टमेंट के हो तो हम भी आपके बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है DPI की तरफ से ये कहा, तो विश्वास कर लिए कि चलो ठीक है। अब दोस्तों एक नया वक्तव्य आपने कल सुन ही लिया है, ठीक है 18 अगस्त को तो सबको ही जाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, सबसे पहले शिक्षक हो, इसमें सभी का ही नुकसान है। यदि भर्ती अटक रही है तो किस वर्ग को फ़ायदा है, ठीक है सभी वर्ग को ही नुकसान है, तो भर्ती तो पूरी होनी चाहिए। अब आप कैसे आदेश लाते हो, क्या करते हो, वो तो गवर्नमेंट ही जाने, है ना दोस्तों। तो ये वक्तव्य कल आपको मैंने बताया था, शिक्षा मंत्री जी ने दिया है कि हम पूरी भर्ती कर रहे हैं, और जो है हमारे OBC भाई बहनों ने 27% रिजर्वेशन के साथ भर्ती कर रहे हैं, तो ये उनका वक्तव्य था। तो अब इस पे जल्द से जल्द अपडेट आ जाए, और मैं तो यही चाहूँगा कि 10 अगस्त को यदि फाइनली फैसला आ जाए ना, तो फिर 100% सीटों पर भर्ती हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो DPI कह रहा है कि जितनी भी हम भर्ती अभी कर सकते हैं उतनी करने का प्रयास करेंगे, और यदि किसी वर्ग को नुकसान ना हो, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ, तो वहाँ पर आप पदों में वृद्धि कर दो, किसी भी वर्ग को नुकसान नहीं होगा। और जब वो सुनवाई कंप्लीट हो जाए 13% सीटों पर, तो फिर उस पर और भर्ती कर दें, तो जो भाई बहन अभी रह गए हैं चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, उन्हें भी वहाँ पर लाभ मिल जाएगा। तो ये है ना, और यही एक इसका जो है सलूशन है दोस्तों, पदों में वृद्धि। नहीं तो क्या होगा कि जो हमारे OBC भाई बहन हैं उनकी जो अभी लिस्ट बनी है ना, उसमें फिर संशोधन होता जाएगा, 14% के हिसाब से भर्ती करेंगे, फिर वो होल्ड पर चले जाएंगे। मीन्स बात तो वहीं की वहीं अटक गई, हमारी 100% जो सीटें थी उसमें से होल्ड पर चली गई, पदों में वृद्धि हुई नहीं। तो जो चाइनीज शिक्षक है उसके साथ ये हो गया कि नाम भी है, सब कुछ है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही। तो उतनी सीटें आप बढ़ा दोगे तो सभी को फ़ायदा है, जनरल वालों को भी फ़ायदा है, SC ST OBC भाई बहनों को भी फ़ायदा है, अतिथि शिक्षक को भी भाई बहनों को फ़ायदा है, सभी को उसमें लाभ है, किसी को कोई नुकसान नहीं। और टीचर्स की तो कमी है ही, तभी तो गेस्ट टीचर रखने पड़ रहे हैं। तो ये दोस्तों, तो आई थिंक अगर शिक्षा मंत्री जी तक हम ये बात पहुँचाएँ और निवेदन करें, टीचर सभी वर्गों को फ़ायदा है, और साथ में यदि 100% सीटों पर भर्ती हो जाती है तो कहना ही क्या, सोने पर सुहागा हो गया दोस्तों। फिर तो 100% सीटों पर, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम पूरी भर्ती कंप्लीट करेंगे और हम बिल्कुल अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर यदि जल्दी अपडेट आ जाता है हाईकोर्ट की तरफ से और गवर्नमेंट नियमानुसार सबकी भर्ती कर देती है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है दोस्तों, तो आई थिंक हमें वेट तो 10 अगस्त तक का ही करना है कि उस दिन क्या अपडेट निकल के आता है, क्योंकि उसके बाद ही तय होगा कि आपकी जो 15 तारीख तक या 10 से जो 15 के बीच में ज्वाइनिंग की बात कही जा रही है वो शुरू होती है कि नहीं होती। आई होप कि वो शुरू हो जाए और जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग मिल जाए दोस्तों। 18 अगस्त आपको भोपाल जाने की आवश्यकता ना पड़े, उससे पहले ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, तो फिर ये है कि सभी की मन की मुरादें पूरी हो गई हैं। और यदि शिक्षा मंत्री जी पदों में वृद्धि कर दें तो जो लोग वेटिंग में भी हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हों, उन्हें भी वेटिंग तक क्लियर हो जाएगी। जो चयन सूची में उनका तो हो ही जाएगा, जो वेटिंग में है उनकी भी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा इसका सलूशन यही है। तो दोस्तों ये वीडियो ऐसा ही था, और थोड़ा पानी तेज़ हो रहा है, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि मैं कोई भी अपडेट आपके सामने आएगी तो डेफिनेटली शेयर करूंगा। अपने मन को मजबूत बनाए रखें, हमें हारना नहीं है, अपने प्रयास जारी रखने, अपने संघर्ष जारी रखने हैं, और अपना जो हक है वो लेकर ही रहना है। हमारा सबसे बड़ा हक है कि अगस्त में ही आपको ज्वाइनिंग मिले, और 15 अगस्त से पहले पहले ज्वाइनिंग मिले, नहीं 18 अगस्त को तो आप मांग करने ही वाले हैं सभी भाई बहन मिलकर, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है नियुक्ति का इंतज़ार करते करते। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।